व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन बाय हादिया। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ दो शर्ट और एक ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। बट इससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस शर्ट की डिटेल दिखाऊंगी। ये मैंने लाइनिंग वाली शर्ट बनाई है, ये थोड़ी फैंसी शर्ट है। इसके ऊपर कॉपर कलर के तीले का काम हुआ हुआ है। इसका मैंने गोल गला बनाया और उसके नीचे छोटा सा मैंने कट रखा है। इसके यहाँ पर मैंने दरमियान में भी छोटा सा कट बनाकर इसके नीचे सेपरेट से पट्टी लगाई है। सेपरेट से मैंने यहाँ पर पट्टी बनाकर लगा दी और इसकी मैंने कलियाँ बनाई हैं। कलियाँ बनाकर मैंने दरमियान में जो है कॉपर कलर की सीढ़ी लैस अटैच की है इस तरह से। स्लीव इसके बिल्कुल सिंपल है, जस्ट मैंने यहाँ पर कढ़ाई वाले से छोटा सा मोटिव लगवाया है और इसके यहाँ पर मैंने इसी कपड़े का लेकर मैंने इसकी एंटर फिक्सिंग कर दी। अब मैं आप लोगों को इसका दामन दिखाती हूँ। चाक पर और दामन पर भी मैंने इसी कलर का कपड़ा लेकर मैंने उसकी एंटर फिक्सिंग की है। नीचे लाइनिंग लगाई है इसकी मैंने, क्योंकि ये थोड़ा चुभने वाला कपड़ा है ना, तो इसलिए इसके नीचे लाइनिंग लगी हुई हो तो पहनने में भी आसानी रहता है। मैंने बॉर्डर को अटैच करने से पहले यहाँ पर भी मैंने कॉपर कलर की ही सीढ़ी लैस दी है, ये यहाँ पर इस तरह से। ये जॉक और दामन पर सेम उसी तरह इंटर फिक्सिंग कर दी। बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है। उसके चाक और दामन पर भी मैंने इसी तरह एंटर फिक्सिंग कर दी। अब मैं आप लोगों को सेकंड शर्ट दिखा कंट्रास्ट के साथ है। आजकल बहुत लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स का फैशन चल रहा है, तो ये जो है इसकी लेंथ थी जो नॉर्मल थी, तो मैंने इसको लेंथ को बढ़ाने के लिए मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी कि मैंने इसकी क्या डिजाइनिंग की है लेंथ बढ़ाने के लिए। इसका ये गोल गला था। इस गोल गले के साथ ही मैंने यहाँ पर बैन लगा दिया। बैन मैंने तकरीबन 1.5 इंच का बैन रखा था और इसको मैंने बटन लगा दी ताकि गला पहनने में आसानी हो। स्लीव्स इसके सिंपल हैं, तो उसके आगे मैंने छोटा सा बॉर्डर लगाने से पहले मैंने यहाँ पर बारीक सी एक सीढ़ी लैस दी। उसके आगे बॉर्डर को से आगे फिर दोबारा मैंने किसी और डिज़ाइन की सीढ़ी लैस दी और उसके आगे मैंने प्लेन कपड़ा लेकर उसके यहाँ पर पिंटेक्स डालकर उसकी डिज़ाइनिंग करके मैंने इस तरह इसको बाजुओं को बनाया। इसके बाजू मैंने अम्ब्रेला शेप में बनाए हैं, आगे से खुले हैं और उसके सब फ्रंट साइड पर भी मैंने गुम सिलाई करने के लिए मैंने सेपरेट से कपड़ा लेकर इसको फोल्ड करके लेस को मैंने बढ़ाकर लगा दिया। अब मैं आप लोगों को इसका दामन दिखाती हूँ। फ्रंट साइड इसकी फुल एम्ब्रॉयडरी वाली है। चौक पर मैंने सिंपल सिलाई लगाई है। अब मैं आप लोगों को इसका दामन दिखाती हूँ। ये थी यहाँ तक की इसकी लेंथ, तो मैंने इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहले मैंने चौड़े वाली ये जो है सीढ़ी लैस ली। शॉकिंग कलर की, इसमें शॉकिंग कलर की एम्ब्रॉयडरी है इसलिए शॉकिंग कलर की लैस ली ताकि ये और ज्यादा खूबसूरत लगे, बाजिया हो इसको। फिर मैंने प्लेन कपड़ा लेकर मैंने उसमें पिंटेक्स डाल दिए हाफ हाफ इंच के फासले से, वो बनाकर लगाया। उसके नीचे फिर दोबारा से मैंने सीढ़ी लैस ली चौड़े वाली, उसको लगाया। फिर मैंने कपड़ा लगाकर उसके नीचे पिंटेक्स डालकर मैंने वो इसकी लेंथ बढ़ा दी आज। और नीचे मैंने दामन पर मैंने गुम सिलाई के लिए सेपरेट से कपड़ा लेकर मैंने यहाँ पर लेस लगा दी बारीक वाली। अगर आप लोग चाहें तो इसको चौक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चौक पर भी इस तरह की बारीक वाली लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे कस्टमर ने हमें इसी तरह बोला तो हमने सेम सिर्फ दामन पर ही लगाई है। चौक पर सिंपल हमने सिलाई का इस्तेमाल किया है। बैक साइड इसके बिल्कुल प्लेन की तरह, थर्ड एंड लास्ट ड्रेस की तरफ। ये वूल स्टफ में है, मेहंदी कलर का ये ड्रेस है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये। इसका एम्ब्रॉयडरी वाला गला है। इसके मैंने यहाँ पर वी गला बनाकर मैंने नीचे मैंने यहाँ पर पाइपिंग की है इसके यहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े से ही डोरी वाली पाइपिंग। और फिर मैंने इसको कपड़ा सेपरेट से कपड़ा लगाकर इसको आपस में जोड़ दिया और उसके ऊपर रख के मैंने यहाँ पर फैंसी बटन लगा दिए
बटन कर सकते हैं, टसल के तौर पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बटन्स के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है इसका। स्लीव्स के आगे मैंने दरमियान में यहाँ पर एक मोटिव लगवा दिया, बॉटम पर मैंने इसी तरह के जो है टसल बनाकर लगा दिए और इसको इसकी एंटर फिक्सिंग कर दी। मैं आपको दामन दिखाती हूँ। जो दामन का बॉर्डर था वो मैंने दामन पर नहीं लगाया, उसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम करके कटिंग किया, जितना हो रहा था तो हमने उसको चौक पर इस तरह लगा दिया। आप लोग चाहें तो इसको दामन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर की चॉइस के हिसाब से हमने इसको दामन पर चौक पर लगाया है। चौक पर सिंपल पलटा, इसी कपड़े का लेकर चौक और दामन पर सिंपल हमने पलटा लगाया है, और दामन पर जो है मैंने वही वाला वाले टसल लगाए हैं जो मैंने गले पर और बाजुओं पर इस्तेमाल किए थे। बैक साइड इसकी प्लेन है, बैक साइड पर भी मैंने इसी तरह से ही पलटा लगाया है। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र भी इसका बिल्कुल सिंपल ही है, तकरीबन 7 से 8 इंच का इसका पाइंचा है। ऊपर मैंने बेल्ट लगाई है फ्रंट साइड पर, और बैक साइड पर इलास्टिक का इस्तेमाल किया है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।